तो गाइस सब कैसे हो, मैं हूं नोनू रिटेलर नोनू चैनल पर आप लोगों का बेस्ट स्वागत। तो आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं, जो लोग सोच रहे हो मैं एयरटेल पेमेंट ओपन करूं, तो एयरटेल पेमेंट ओपन करने से पहले उस बैंक के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग ओपन करो तो एक सही तरीका है। और आप ओपन करो तो करो कैसे, वो भी मैं आप लोगों को डिटेल्स पर बता दूंगा। देखो सबसे पहले आप अगर अपने दिल में सोच रहे कि मुझे एयरटेल पेमेंट ओपन करना है, तो आप लोगों को कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपका जो एज है वो मिनिमम 18 साल होना चाहिए, आपके पास एक आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, ये सिर्फ नॉर्मल सी बात है। और आपके आधार में जो बायोमेट्रिक वो भी अपडेट होना चाहिए। मैं क्यों बता रहा हूँ डिटेल्स में बताऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और एक चीज है, एयरटेल पेमेंट अगर आप सोचते हो कि इसमें इस बैंक पर कोई चार्ज वगैरह नहीं लगते या इस बैंक बिल्कुल फ्री है, तो एक गलत हो आपका मिनिमम नॉर्मल से बात है। हालांकि एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, इस बैंक पर ना तो कोई मेंटेनेंस बैलेंस वगैरह रखने की कोई जरूरत नहीं, पर इस बैंक पर बहुत सारे टाइप का चार्जेस अवेलेबल है, जैसे SMS चार्ज, सेविंग अकाउंट एनुअल फी, इसके अलावा और भी बहुत तरह का ये लोग चार्ज आराम से लगा देते हैं। नॉर्मल मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में एक एयरटेल पेमेंट करो, फिर भी मैं एक कस्टमर के तौर पर आराम से बता सकता हूँ कि हाँ एयरटेल पेमेंट अदर बैंक से ज्यादा मतलब ज्यादा चार्ज लग जाते हैं, बट इसका मतलब इसका सर्विस में कुछ छोट है, बट ऐसे बिल्कुल नहीं। एयरटेल पेमेंट का जो सर्विस है वो बहुत बेहतरीन सर्विस है, अगर इसे सही तरीके से आप इस्तेमाल करोगे। देखो आप अगर लगते हैं कि आपको इस जगह पर मैं बहुत ज्यादा पैसा सेविंग वगैरह करूंगा, तो ये अकाउंट आपके लिए नहीं है। नॉर्मल से बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये अकाउंट अगर आप सोचते हो कि मैं डेली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करूँ, मेरे कुछ काम वगैरह है जिसके थ्रू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है डेली से डेली, तो आप लोग एयरटेल पेमेंट को चूज कर सकते हो, क्योंकि ये जो अकाउंट है इस बार बोला भी जाते हैं कि एयरटेल पेमेंट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए एक बेस्ट अकाउंट है, क्योंकि इसमें डेली आप जितने मर्जी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो वहाँ पर आपको किसी टाइप का प्रॉब्लम नहीं है। बात आप अगर इसमें किसी का भी पैसे डाल दे उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं करोगे, तो आपके अकाउंट देखो बीच बीच में होल्ड हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, बहुत सारा टाइप का आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली आप अगर सेविंग करना चाहो तो आपको एक छोड़ सकते हो, बट अगर आप चाहो तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना, इस बैंक को आप आराम से चूज कर सकते हो। इस बैंक का एक बहुत बड़ी बेनिफिट चीज मिल जाती है, इस बैंक का जो CSP है मतलब कस्टमर सर्विस पॉइंट वो बहुत ज्यादा है, तो आप किसी भी जगह से जाके आराम से आपने कैश को बैंक पर डिपॉजिट कर सकते हो, या अगर बैंक पर है तो उसे कैश पे कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा इस पर फिजिकल ATM कार्ड और डिजिटल ATM कार्ड दोनों आप लोगों को मिल जाते हैं, जिसमें आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या ATM के थ्रू भी पैसे उठा आराम से कर पाओगे। बात जो डिजिटल फिजिकल ATM कार्ड है, इसका चार्ज है 349 रुपीज का, 349 रुपीज लगेगा आप लोगों को चार्ज, तभी आप फिजिकल ATM कार्ड पाओगे। और अकाउंट ओपनिंग का चार्ज अगर हम बात करें तो आप लोगों को अभी 100 रुपीज लगेगा एक अकाउंट चार्ज के लिए। बाकी एयरटेल पेमेंट टाइप ऑफ वैरायटीज अकाउंट है, जैसे नॉर्मल से भी अकाउंट, भरोसे से भी अकाउंट, मिनी रिवॉर्ड 1-3 अकाउंट, रिवॉर्ड 1-3 अकाउंट, इसके साथ साथ अभी एक नया अकाउंट जुड़ा गया है जो कि है सुरक्षा से भी अकाउंट। बट मैं आप लोगों को स्पेशली रिकमेंड करूंगा, आप अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर लेते हो तो नॉर्मल से भी अकाउंट या भरोसे से भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब लोगों के दिल में सवाल आएगा, भाई भरोसे से भी अकाउंट क्या है और नॉर्मल सेविंग अकाउंट, नॉर्मल सेविंग अकाउंट मतलब ये फुल्ली नॉर्मल है, इसमें आप लोगों को ना तो कोई एक्स्ट्रा आपको कोई बेनिफिट मिलेगा, ना कोई आप लोगों को कोई मतलब मेंटेनेंस वगैरह रहेगा। बट जो भरोसा सेविंग अकाउंट ये बहुत इंटरेस्टिंग से अकाउंट है, इस अकाउंट को अगर आप लोग ओपन करोगे तो एक ही टर्म एंड कंडीशन है, आपके अकाउंट पर हर टाइम 500 रुपीज होना चाहिए। एक मैंडेटरी चीज है कि आपको 500 रुपीज मेंटेनेंस करना पड़ेगा। इसके पहले उसमें इसके जो मेंटेनेंस करोगे इसके लिए एक बहुत बड़ी बेनिफिट मिल जाती है, 5 लाख रुपीज का एक एक्सीडेंट बेनिफिट कवर आप लोगों को मिल जाते हैं, जिसका प्राइस मार्केट में बहुत है, नॉर्मल से बाद में बता देता हूँ, तो बहुत बेनिफिट है, तो आप अगर चाहो तो इसको कर सकते हो। इसके अलावा इस पर बहुत सारे एक्सक्लूसिव ऑफर एंड कैशबैक का भी बेनिफिट मिल जाते हैं। इसके अलावा देखो हर जगह अकाउंट ओपनिंग कर लोगे तो उसके बाद आप इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग हो जाते, किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं आते, और अकाउंट होने के साथ साथ आप ट्रांजेक्शन वगैरह सब कुछ कर पाओगे एक ऐप के थ्रू, जो एयरटेल थैंक्स ऐप, और इस ऐप के थ्रू आप मिनिमम इंटरनेट बैंकिंग बोलो जो भी बहुत सारा काम इस जगह से कर सकते हो। आप मेन मुद्दा जो आ जाते हैं इसमें मेन मुद्दा जो आ जाते हैं, भाई हम अकाउंट ओपनिंग कैसे करें, तो दोस्तों आप लोगों के लिए बता देता हूँ, आप दो प्रोसेस अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो, ऑफलाइन प्रोसेस से भी कर सकते हो, ऑनलाइन प्रोसेस से भी कर सकते हो। आप लोग बहुत सारे ऑनलाइन को चूज करोगे, बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 2 साल के एक्सपीरियंस के थ्रू या तो आप ऑनलाइन से एयरटेल पेमेंट अकाउंट बिल्कुल भी मत ओपन कीजिए। मेरे कुछ दोस्त लोग हैं या कुछ सब्सक्राइबर लोग हैं जिन्होंने मुझे बोला था कि भाई मेरे 1 महीने हो गए मैंने KYC कंप्लीट किया ऑनलाइन से, बट अभी तक मेरे जो अकाउंट है वो फुल्ली ओपन नहीं हुआ है, मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ दोस्तों, आप लोग आपके नियरेस्ट किसी भी एयरटेल CSP में चला जाओ, अपने आधार कार्ड पैन कार्ड को साथ में ले जाओ, उसमें जाके आप अपने जिस भी नंबर पर अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो, मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा आपको जो प्राइमरी नंबर है उसी नंबर पर अकाउंट ओपनिंग कीजिए, फोन पे गूगल पे के चक्कर में किसी दूसरे नंबर पर ओपन मत कीजिए, बाद में जाके प्रॉब्लम आ जाए, तो आपका जो मेन नंबर है उसी में अकाउंट ओपनिंग कीजिए, क्योंकि आपका जो मोबाइल नंबर होगा वही आपका अकाउंट नंबर होगा। पीछे उसमें जाओ एयरटेल जो भी नियरेस्ट CSP उसमें जाओ, अपने आधार कार्ड पैन कार्ड दो और उसी नंबर पर अकाउंट ओपनिंग कर लो, आपको 100 रुपीज का चार्ज लगेगा और दुकानदार के लिए और 10-20 रुपीज एक्स्ट्रा लग सकते, बट उस जगह पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगा
और भी कैशबैक वगैरह की ऑफर वगैरह मिल जाते हैं। इसमें आप इंस्टेंट अकाउंट ओपन हो जाएगा और इंस्टेंट काम कर पाओगे। बट आखिर ऑनलाइन अगर आप ओपन करोगे तो आप लोगों को ये सारा फैसिलिटी नहीं मिलेगा और भी बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाते ऑनलाइन ओपनिंग के साथ साथ। बाकी ऑफलाइन ओपन करोगे तो आपको किसी टाइम कोई प्रॉब्लम आएगा तो उस जगह से जाके आप सॉल्व कर सकते हो और भी बहुत सारे टाइम आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा जो कि ऑनलाइन पर आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों एयरटेल पेमेंट रेट जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास था सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी अगर चाहो तो आराम से ओपन कर सकते, इंडिया का नंबर वन पेमेंट मान सकते, एक बहुत बढ़िया ट्रस्टेड बैंक है। बाकी जो भी डिटेल्स था बता दिया, बाकी कुछ मिस होगा तो माफ कर देना, कमेंट पर आराम से बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, जन्म मातरम, थैंक यू, बाय बाय।